2022 में हमारी इंडियन इकोनॉमी ने किस तरीके से परफॉर्म करा, इतनी सारे चैलेंजेस देश और दुनिया में चल रहे हैं जैसे रशिया यूक्रेन वॉर, पर फिर भी इन सारे चैलेंजेस से हम किस तरीके से हमने सर्वाइव किया और किस तरीके से बेसिकली पूरा आज जो ये रिपोर्ट कार्ड की तरह हम समझेंगे कि 2022 में एक्चुअली क्या क्या चीज़ें हुई हैं जो इंडियन इकोनॉमी में, जो हमारे एग्जाम के लिए और इवन जनरली भी हमारे लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि 2022 में जो वर्ष बीत गया उसमें हमारी इंडियन इकोनॉमी ने कैसे परफॉर्म करा है। तो आज के सेशन में हम हर एक मुद्दा जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और आपकी जानकारी के लिए सारी चीजों को डिटेल में समझेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम पिंकी और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं अड्डा 24/7 पर। जाते जाते आप सभी के लिए मेरे पास एक गुड न्यूज भी है, वो मैं आपको एंड में दूंगी जाऊंगी जब मैं, ठीक है, टुवर्ड्स द एंड। आज का सेशन हम शुरू करते हैं पहली चीज के साथ। देखिए, हम आज के सेशन में 3-4 बड़े मुद्दे समझने वाले हैं। ऑफ कोर्स अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करूं तो अगर मैं इन चार मुद्दों के बारे में बात कर लूंगी तो पूरी इकोनॉमी ओवरऑल आपकी कवर हो जाएगी। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बेरोजगारी से, अनएम्प्लॉयमेंट किस तरीके से 2022 में रहा उसकी हम बात करेंगे, उसके बाद किस तरीके से हमारी GDP ने परफॉर्म करा उसके बारे में हम बात करेंगे और हम एकदम लेजिड सोर्सेस से जो है उनका आंकड़ा हम देखेंगे। आज जो मैं आपके लिए लाई हूं वो है वर्ल्ड बैंक के कुछ रिपोर्ट्स हैं, उन्होंने जो इंडिया के बारे में बोला है वहां से मैं आपको पढ़ाऊंगी। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं जैसे इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, उन्होंने जो भी डेटा जो है साझा किया है वो सारे डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगी और उन्हीं से मैंने ये आज का लेक्चर भी प्रिपेयर किया है, ठीक है। उसके बाद महंगाई किस तरीके से रही, स्पेशली खाने के मामले में, फूड इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा महंगाई रही है, और उसके बाद इंडियन रुपी कैसे डेप्रिशिएट हुआ है, यानी हमारी मुद्रा की जो वैल्यू है वो किस तरीके से कम हुई है, ये सारी चीज़ समझेंगे। और ये भी समझेंगे कि ओवरऑल क्या रिजल्ट रहा है, कि अगर इन सब चीज़ों में भी हमने बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं किया फिर भी एक ओवरऑल जो हमारा रिजल्ट रहा है वो नेगेटिव नहीं रहा है, और वो कैसे नेगेटिव नहीं रहा है ये भी हम जानेंगे, ठीक है। आज मैं 2022 के जितने भी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगी। कल मैं आपको अभी से बता दूं, कल मैं 2023 के जो फॉरकास्ट हैं, यानी 2023 के जो भी जिन भी इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भविष्यवाणियाँ करी हुई हैं कि जी 2023 में हम ये सारी चीज़ें अचीव करेंगे, इंडिया ये सारी चीज़ें अचीव करेगा, उस पर एक लेक्चर लेके आऊँगी। आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए ऑब्जेक्टिव हो चाहे डिस्क्रिप्टिव हो, बेहद ज़रूरी वो लेक्चर होने वाला है, आज का भी और कल का भी, ठीक है। तो ध्यान से आप इस लेक्चर को सुनिए। चलिए, तो पहले शुरुआत करते हैं सबसे पहले रिपोर्ट के साथ कि कहाँ से मैंने ये डेटा लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं वर्ल्ड बैंक की साइट से मैंने ये डेटा लिया है, जहाँ पर वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि जी इंडिया जो है इतने सारे चैलेंजेस के बाद भी बहुत अच्छे से, यानी बहुत ठीक तरीके से नेविगेट कर रहा है। जैसे ऐसे आंधी तूफान आ जाता है ना समुद्र में और हम जैसे तैसे बैलेंस करके उसको पार कर लेते हैं, तो वही इंडिया की सिचुएशन बताई है वर्ल्ड बैंक ने कि इतने सारे चैलेंजेस हैं, रशिया यूक्रेन वॉर है, चीजें अच्छे से नहीं चल रही है, महंगाई बढ़ रही है हर जगह, पर फिर भी इंडिया जो है वो ठीक परफॉर्म कर रहा है, ये वर्ल्ड बैंक का कहना है और इसी की पूरी रिपोर्ट को आज हमने एनालाइज करना है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि नेविगेटिंग द स्टॉर्म करके ये रिपोर्ट जो है वर्ल्ड बैंक ने ये निकाली है, जहां पर यही लिखा है कि ग्लोबल स्पिल ओवर्स, ग्लोबल जो है मतलब देश और दुनिया में इतनी अच्छी हालत नहीं है हर एक चीज की, बट फिर भी हम ठीक ठाक तरीके से नेविगेट कर रहे हैं, यानी ठीक ठाक तरीके से इंडिया की GDP जो है वो परफॉर्म कर रही है। हालांकि कुछ आंकड़े ऐसे हैं जो थोड़े से नीचे आए हैं, जैसे हमारी GDP नीचे आई है वगैरह वगैरह, बट फिर भी अगर हम दूसरे कंट्रीज के साथ उनको कंपेयर करते हैं, इनफैक्ट बड़ी बड़ी कंट्रीज हो गया US जैसी कंट्रीज के साथ अगर हम उनको कंपेयर करते हैं, तो भी वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि इंडिया जो है एक अच्छी पोजिशन में है, ठीक है। चलिए अब एक एक करके सारी चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी के साथ। आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, बहुत ज़्यादा चर्चा में था। हाँ, ये सच है कि बेरोजगारी जो है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ा है। अगर मैं आपको दिसंबर का ही आंकड़ा बताऊँ, ये तो ये ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट ने ये बताया है कि बिल्कुल जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अगर मैं ये दिसंबर का ही आंकड़ा है, 16 मंथ्स हाई, मतलब 16 महीने से ज्यादा
आप बोल सकते हो कि जो बेरोजगारी है वो देखने को मिली है दिसंबर में ही, मतलब इसी पिछले महीने में ही ये जो है बेरोजगारी बढ़ी है 8.3 जो बढ़ गई है, पहले 8% थी नवंबर में, ये बढ़ गई है, ठीक है। पर फिर भी ये बात मैं बार बार रिपीट करूंगी कि बेरोजगारी भी बढ़ी है, जीडीपी भी कम हुई है, रुपी भी डेप्रिशिएट हुआ है, पर अगर हम इसको ग्लोबल लेवल पर एक वैश्विक स्तर पर इसको नापते हैं दूसरे देशों के साथ, तो हम फिर भी एक बेटर पोजीशन में है, एक ठीक ठाक पोजीशन में है। ये वर्ल्ड बैंक और जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, जितने भी न्यूज़ अच्छे न्यूज़पेपर्स हैं, उन सभी का मानना है, उन सभी का कहना है, जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, उन सभी का। अब बात करते हैं दूसरे चीज़ की, जो है जी हमारी जीडीपी। जब किसी भी देश की इकोनॉमी को हम नापते हैं तो जीडीपी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो जीडीपी के लिए अगेन वर्ल्ड बैंक का ही ये कहना है, जीडीपी के लिए वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि हालांकि हम टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी, टाइटनिंग पॉलिसी जो है वो अपना रहे हैं ग्लोबली, यानी सब लोग ही टाइटनिंग पॉलिसी का मतलब है जब सरकार को ये लगता है कि जी महंगाई बढ़ रही है तो सरकार क्या करती है, इंटरेस्ट रेट को, ब्याज दर को बढ़ा देती है, ताकि आप जो लोन लेंगे या आपके पास जो पैसा अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो उस पर वो आपको महंगा मिलेगा, और अगर आपको महंगा लेना पड़ेगा तो शायद आप लोन लेंगे ही नहीं, ठीक है। उसको कहते हैं टाइटनिंग मॉनिटरी पॉलिसी, यानी इंटरेस्ट रेट का बढ़ा दिया जाना ताकि बढ़ी हुई महंगाई कंट्रोल हो सके। तो हालांकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं, ठीक है, इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं और जीडीपी फोरकास्ट भी कहीं ना कहीं चेंज हुआ है, मतलब जितना हम शुरू में सोच रहे थे कि 10% से क्रॉस कर जाएंगे वो उतना नहीं होने वाला है, बट फिर भी अगर मैं ओवरऑल अगर आपको मैं जीडीपी ही यहाँ पर दिखा देती हूँ, जीडीपी के आंकड़े दिखा देती हूँ, कि डेफिनेटली अगर 2020-21 के साथ कंपेयर करें तो ये कहीं ना कहीं ये नंबर जो है हमारा कम होता हुआ डेफिनेटली नजर आएगा। कुछ और आंकड़े मैं दिखाती हूं जो अगेन वर्ल्ड बैंक और एनएसओ, आपको पता है एक बड़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जब हम महंगाई की बात करते हैं, जीडीपी की बात करते हैं, तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस बड़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इन दोनों ने होकर एक जीडीपी का बेसिकली एक नंबर बताया है। ये बताया है कि 2022 में 21-22 जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें थी 8.7% हमारी जीडीपी की ग्रोथ, उसके बाद ये कम हुई 6.9, और अब हम 23-24 के लिए, 22-23 के लिए 6.9 थी और 23-24 के लिए और भी कम, इन्होंने बोला है कि जी और भी कम ये हो जाने वाली है 6.6। अगेन ये नंबर भी इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी आंकड़े बताए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं घट ही रहे हैं, घट इसलिए रहे हैं क्योंकि ग्लोबली ही, मतलब पूरे विश्व में आजकल जो है चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, महंगाई ज़्यादा हो रही है, मंदी आप बोल सकते हो, महंगाई कहीं पर ज़्यादा आ जाती है, कभी कभी ऐसा होता है कि मंदी के आशंकाएं जताती हैं, बहुत सारे रिपोर्ट्स कहती हैं कि जी रिसेशन आ सकता है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें हैं, बट फिर भी अगर हम सबके साथ कंपेयर करें तो हम बहुत बुरा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ठीक परफॉर्म कर रहे हैं। उसके साथ जो एक्सटर्नल पोजीशन है हमारी, वो भी वर्ल्ड बैंक ने बताया है कि इंडिया ठीक ठाक है उसमें भी, जिसको हम करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं, मतलब हमारा अगर एक्सपोर्ट ज्यादा होता है इंपोर्ट से, मतलब हम बेचते ज्यादा है खरीदते कम है, तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट ठीक होता है, ठीक है। वो डेफिसिट बढ़ तब जाता है जब हम खरीद तो ज्यादा रहे हैं और बेच नहीं पा रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स, राइट। तो करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में भी ये बोला है कि वो भी ठीक है, बहुत ज्यादा बुरे नंबर्स नहीं है इंडिया के, ठीक है जी। चलिए आगे बात कर लेते हैं तीसरे मेजरमेंट की, तीसरे चीज की, जो कि है महंगाई। महंगाई की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा इस साल जो महंगाई बढ़ी थी वो थी किस चीज की, फूड इन्फ्लेशन की, सब्जी की, खाने की, ठीक है, फल फ्रूट, ये सारी चीजों में बड़ी महंगाई हमें देखने को मिली। अगेन इंडियन एक्सप्रेस ने ये कवर किया है कि 2022 में जो है महंगाई बेसिकली बढ़ी थी हमारी, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं रुपी की, कि इंडिया का जो करेंसी है उसने कैसा परफॉर्म किया 2022 में। तो अगेन ये इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि रुपी जो है वो फॉल हुआ है, 11% फॉल हुआ है 2022 में, ठीक है। मतलब अगर मैं 2013 के साथ कंपेयर करूं तो ये वर्स्ट है, 2013 से लेके अब तक जो है वो सबसे ज़्यादा फॉल किया है। इसका क्या मतलब है, और जो मैं शुरू से बोल रही हूँ कि सारी चीज़ें हमें घटती हुई दिखाई दे रही हैं, फिर भी हम बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, फिर भी हम ठीक परफॉर्म कर रहे हैं, बिल्कुल देखिए। और ये होता कैसे है, ये हो क्यों रहा है, हमारे रुपी की वैल्यू गिर क्यों रही है। देखिए गिर
गिरने के बहुत सारे कारण हैं वैसे तो, उनमें से एक कारण ये है कि मैंने अभी आपको बताया कि महंगाई रोकने के लिए मान लो यूएस की सरकार है, बाहर की सरकार क्या करती है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया। अब जो एफपीआई वाले लोग होते हैं ना, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जो क्या करते हैं, जिनको ये लगता है ना कि जहाँ पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है वो अपना पैसा वहाँ जाके लगा देते हैं, तो एफपीआई क्या करते हैं, एफपीआईज क्या करते हैं, इंडिया से अपना पैसा सारा निकाला और यूएस की मार्केट में सारा पैसा डाल दिया, ठीक है। उससे क्या होगा, एक तो हमारी इकोनॉमी से पैसा चला गया, हमारे रुपये की डिमांड कम हो गई और डॉलर की डिमांड ज़्यादा हो गई। और उन्होंने डॉलर में क्यों डाला, यानी यूएस में क्यों डाला, क्योंकि उनको पता है अभी यूएस में जो है अच्छा इंटरेस्ट या फिर अच्छा रिटर्न उनको मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट यूएस का जो है बढ़ा हुआ है, वो वहां की सरकार ने करा हुआ है, क्योंकि उनको जो है अपनी महंगाई कम करनी है। तो एफपीआई का यहां पर एक बहुत बड़ा कारण है, उन्होंने इंडियन मार्केट से पैसा हटा के डॉलर में इन्वेस्ट कर दिया, तो एक तो रुपये कम हो गया, ऊपर से डॉलर स्ट्रांग हो गया है ना। तो ये सारे कुछ रीजन है। देखिए, जब भी इकोनॉमी में कुछ नंबर्स आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे खुद के डोमेस्टिक मार्केट पर ही निर्भर नहीं रहते, बाहर की जो चीजें हैं, एक्सटर्नल जो चीजें हैं बाहर के देशों पर, यूएस पर, या फिर हो गया आपका हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर, या फिर रशिया यूक्रेन वॉर जैसी स्थिति अगर आ जाती है कभी भी वैश्विक स्तर पर, इन सारी चीज़ों पर जिसको हम एक्सटर्नल फैक्टर्स बोलते हैं, इन सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है ये रुपी की वैल्यू हो गई, हमारी देश की महंगाई हो गई, हमारी GDP हो गई, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे सिर्फ देश में जो चीज़ें प्रेजेंट हैं उन्हीं पर हमारी जो है निर्भरता है, नहीं, क्योंकि हम एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं जो एक दूसरे से हम कनेक्टेड हैं, तो अगर एक देश पर कुछ होगा तो दूसरे देश पर भी उसका असर पड़ेगा, राइट। चलिए, तो ये हो गया हमारी चौथी बात। तो ओवरऑल आई होप आपको जो है मतलब समझ आ गया होगा कि नंबर्स हमें बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं, बट फिर भी अगर हम पूरी दुनिया से कंपेयर करें तो इंडिया ने जो है वो ठीक ठाक परफॉर्म करा है 2022 में, और 23 में क्या कुछ होने वाला है, जो भी फोरकास्ट हैं, जो भी भविष्यवाणियां हैं, जो भी प्रेडिक्शंस हैं, जो भी इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, वो मैं कल बताऊंगी आपको, ठीक है। तो कल की वीडियो के लिए भी आप एक्साइटेड रहिएगा। जाते जाते मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, मैं एक्चुअली आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। द बिगर पिक्चर जो मेरा शो है जहां पर मैं करंट अफेयर्स कवर करवाती हूं हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, वो सुबह 7 बजे आता था, बट आज मैंने उसका टाइम चेंज किया है। आज हमारा पहला लेक्चर था शाम को 5 बजे, और आप सभी ने मुझे उसमें बहुत बहुत सपोर्ट किया, आप सभी मेरे साथ लाइव जुड़े। एक तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूं, साथ ही साथ मैं आपको बोलना चाहती हूं जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता था, प्लीज कल द बिगर पिक्चर को आप ज्वाइन करिए शाम 5 बजे, अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज करके एक चैनल है, वहां पर आप ये करंट अफेयर्स आपके बहुत स्ट्रांगली और बहुत अच्छे से आपके मैं प्रिपेयर करवाऊंगी। सो प्लीज कल शाम को 5 बजे द बिगर पिक्चर में मेरे साथ जरूर जुड़िए। इसका टाइम हमने आप ही की डिमांड पर जो है चेंज किया है। उसके साथ साथ ये ऑफर आप देख सकते हैं, 77% का हमारे यहां पर ऑफ चल रहा है। किसी भी महापैक या फिर लाइव क्लासेस में अगर आपको ये ऑफर अवेल करना है तो प्लीज Y674 कोड जो है आप ये यूज कर सकते हैं, 77% फ्लैट आपको ऑफ मिलेगा। ये आपका एक न्यू ईयर गिफ्ट है, और मुझे आप न्यू ईयर गिफ्ट ऑलरेडी दे चुके हो मेरी क्लासेस में, इतने सारे स्टूडेंट जो हैं लाइव आए हैं मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे लिए एक बहुत खुशी का वो पल था, मैंने 5 से 6 बजे लाइव जो लिया है। कल मैं आप सभी से, जितने भी स्टूडेंट्स मेरे यहाँ पर लेक्चर देख रहे हैं, 5 बजे मेरे साथ ज़रूर जुड़िए। आई रियली नीड योर सपोर्ट द बिगर पिक्चर को और ज़्यादा बड़ा बनाने के लिए, है ना, और ये आप लोगों के लिए डेफिनेटली बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। उसके अलावा RBI ग्रेड बी, SEBI, SIDBI, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, MP कोऑपरेटिव बैंक, सेल, या फिर किसी भी बैंकिंग एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपके करंट अफेयर्स लूँगी। उसके लिए आपको अगर कोर्स खरीदना है तो आप ये कोड Y674 यूज करें, आपको 78% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो, राइट। चलिए, तो फिर जाते जाते यही है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि आज हमारा पहला लेक्चर था बिगर पिक्चर का, 5 से 6 हो गया है इसका टाइम, ठीक है। चलिए जी, आई होप आज का लेक्चर आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा, आज के लेक्चर को शेयर करिए। कल हम फिर से मिलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद मी, एंड कल मैं फिर से कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आऊंगी जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।